गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम शुभेंदु मजुमदार है और मैं शार्प के नेशनल मैनेजर हूँ, सेल्स मैनेजर। और आज हम बात करेंगे हमारे नए एयर प्योरीफायर जो कि फेसलिफ्ट मॉडल जो आया है रिसेंटली, जो एलर्जी मोड के साथ है। जैसे कि आपको पता है, जो प्रीवियस मॉडल हम प्रमोट कर रहे थे उसमें हेज मोड था और उसको हमने चेंज करके एलर्जी मोड कर दिया है। तो आज हम ये जानेंगे कि इस मोड के क्या बेनिफिट्स हैं, एयर प्योरीफायर के इन जनरल क्या बेनिफिट्स हैं, क्यों आपको लेना चाहिए, बाकी पॉइंट्स वगैरह वगैरह। कुछ स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ डिस्टर्बिंग फैक्ट्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जो हमारे इंडिया में रेस्पिरेटरी हेल्थ की जो कंडीशन है वो दर्शाता है। ये कहा जाता है कुछ स्टैटिस्टिक्स के द्वारा कि मिडिल क्लास एंड अबव जो इंडियन पॉपुलेशन है, उनके लगभग 32% लोग ऐसे हैं जिनको साल में 3 या 4 बार से ज़्यादा रेस्पिरेटरी तकलीफ या सांस की तकलीफें होती हैं। दूसरी पॉइंट जो कि और भी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, अगर आप पॉपुलेशन के हिसाब से देखेंगे, इंडिया की पॉपुलेशन लगभग 1.3 बिलियन है और ग्लोबल पॉपुलेशन जो कि ऑलमोस्ट 7.6 बिलियन है। अगर आप वैसे देखें तो इंडिया की पॉपुलेशन ग्लोबली 15% के आसपास है, लेकिन जो एस्थमा से पीड़ित जो पॉपुलेशन है वो एक तिहाई, जो ग्लोबल पॉपुलेशन है वो एक तिहाई हिस्सा इंडिया में है। ये बहुत ही डिस्टर्बिंग फैक्ट है। और तीसरा, एक और डिस्टर्बिंग फैक्ट एस्थमा से रिलेटेड ये है कि जो बच्चों को रेस्पिरेटरी तकलीफें होती हैं उनमें से लगभग 38% जो बच्चे हैं वो एस्थमा से पीड़ित होते हैं। मैं बच्चों की जो बात कर रहा हूँ वो लगभग 8-9 साल तक के बच्चों की बात कर रहा हूँ। और ये जो स्टैटिस्टिक्स आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, ये कोई हमने नहीं बनाया है, इसके जो सोर्सेस हैं वो ऑलरेडी वहाँ पे मेंशन्ड है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ क्लीन एयर के कुछ फ़ायदे। जैसे कि आप जानते हैं, साफ हवा से हमारी लंग कैपेसिटी बढ़ती है, हमें सांस लेने में बहुत ईजी रहता है। इसके साथ साथ स्किन की क्वालिटी में बेहतर रहता है, रेस्पिरेटरी हेल्थ हमारी अच्छी होती है, हमारे नींद अच्छी होती है। इसके साथ साथ और भी कई बेनिफिट्स हमारे साफ हवा के होते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली जिस तरीके की हवा में हम सांस ले रहे हैं वो समहाउ उसकी क्वालिटी बिगड़ती जा रही है, लेकिन इसका समहाउ एहसास जो है लोगों को नहीं होता है। अगर आप किसी से भी ये बात पूछेंगे कि भाई एयर पोल्यूशन क्या है, एयर पोल्यूशन से हमें क्या नुकसान होता है, तो ज़्यादातर लोगों को ये महसूस नहीं होती कि हमारे आसपास एयर पोल्यूशन बढ़ रहे हैं। बट अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखेंगे, अगर आप कुछ फैक्ट्स पे नज़र डालेंगे, तो कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमारे आसपास ना चाहते हुए भी हमारी इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को चलाने के लिए उन चीज़ों का बढ़ना तय है। जैसे कि ऑटोमोबाइल है, गाड़ियाँ, दूसरा है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, और तीसरी है फैक्ट्री या इंडस्ट्रीज। जब तक ये तीनों चीज़ें हमारे आसपास बढ़ती रहेंगी तब तक हवा की क्वालिटी खराब होगी, इस बात पे कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। दिक्कत हमें ये आती है कि जो हवा की प्रदूषण है वो समाओ हमें नज़र नहीं आती, हमें पता नहीं चलता कि हवा में खराबी है। लेकिन आप ये मान लीजिए कि जब तक हमारे आसपास, जब तक हमारे शहर में ऑटोमोबाइल, कंस्ट्रक्शन और फैक्ट्री बढ़ती रहेंगी, हवा की क्वालिटी खराब होती रहेंगी। जैसे कि आप जानते हैं, हम हर रोज़ 11,000 लीटर हवा में सांस लेते हैं, 11,000, बिल्कुल सही सुना आपने, 11,000 लीटर्स ऑफ एयर पासेस थ्रू आवर लंग्स एवरी डे। और जैसे जैसे हवा की क्वालिटी खराब होती जाएंगी, वैसे वैसे हमारे ये जो 11,000 लीटर हवा, ये कई तरीके के बदबूदार चीज़ें और कई तरीके के जहरीले पदार्थ हमारे हवा के ज़रिए शरीर के अंदर लगातार लेके आते हैं। ये भी कहना गलत नहीं होगा कि हम हर 6 सेकंड में सांस लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसका मतलब ये है कि हर 6 सेकंड में जो सांसें आ रही है वो कई तरीके के इम्प्योरिटीज साथ में लेके आता है, जहरीले पदार्थ साथ में लेके आता है। और यही नहीं, ये चीज़ें जब तक हमारे आसपास एयर पोल्यूशन के कंट्रीब्यूटर्स बढ़ते रहेंगे,
ये हवा की क्वालिटी लगातार हमारे खराब होते ही रहेंगे, इस बात पे कोई डिनाई नहीं कर सकता। और मालूम है ये जो खराब हवा में हम लगातार सांसें ले रहे हैं और ये जो जहरीले पदार्थ हमारे हवा के ज़रिए जो बढ़ते जा रहे हैं, इसके वजह से हमें जो सांस की तकलीफें जो हमारे आसपास ये बढ़ रहे हैं, आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ये कई ऐसे रेस्पिरेटरी तकलीफें हैं, कई ऐसे सांसों की तकलीफें हैं जो लगातार हमारे आसपास हमारे शहरों में बढ़ते ही रह रहे हैं, जैसे सर्दी, जुकाम, एस्थमा, एलर्जी, ब्रोंकाइटिस, कंजेशन, COPD, साइनोसाइटिस, ये सारे वो रेस्पिरेटरी तकलीफें हैं जिसका समहाउ एयर पोल्यूशन के ऊपर कोई मतलब इफेक्ट नहीं है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि एयर पोल्यूशन तो मेरे शहर में नहीं है। बिल्कुल सही बात है, हो सकता है आपके शहर में एयर पोल्यूशन नज़र नहीं आ रहा हो, लेकिन चाहे आप इंडिया के किसी भी शहर से बिलोंग करते हो, चाहे आप इंडिया के किसी भी सोशल स्ट्रेटा से बिलोंग करते हो, क्या आप ये कह सकते हैं कि आपके घर में या आपके आसपास रेस्पिरेटरी तकलीफ या सांसों की तकलीफें बढ़ नहीं रही है? अगर ये रेस्पिरेटरी तकलीफें बढ़ रही है तो हमें इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि इसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है, डायरेक्ट जो रिस्पॉन्सिबल है, ये हमारे हवा के ज़रिए इसका नुकसान हमारे शरीर के ऊपर होता है। और ये लगातार जैसे जैसे हवा की क्वालिटी खराब होती रहेगी, वैसे वैसे ये भी चीज़ें हमारे शरीर में खराब होती रहेगी। और एक और चौंका देने वाली फैक्ट ये है कि ये जो रेस्पिरेटरी तकलीफें हैं, इनमें सबसे ज़्यादा जो असर किस एज ग्रुप को पड़ता है, मतलब विच एज ग्रुप इज़ मोस्ट अफेक्टेड विद दीज रेस्पिरेटरी इश्यूज़, आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, बच्चे और बुज़ुर्ग इन तकलीफों के से सबसे ज़्यादा उनको भुगतना पड़ता है। अच्छा, कभी आपने ये सोचा कि बच्चों को सांस की तकलीफें ज़्यादा क्यों होती हैं? जब बच्चे पैदा होते हैं, हम उनके हर एक चीज़ का ख्याल रखते हैं, हर एक चीज़, साबुन, तेल, शैम्पू, पाउडर, कपड़े, हर एक चीज़ का पूरा ध्यान रखते हैं। तो हम साबुन अलग से क्यों परचेस करते हैं बच्चों के लिए? हम अपने वाला साबुन बच्चों को क्यों नहीं इस्तेमाल कराते? वो इसलिए बिकॉज जब बच्चे पैदा होते हैं, उनके बॉडी के हर एक पार्ट्स बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और अंडर डेवलप्ड होता है। मतलब जब बच्चे पैदा होते हैं, वो सेंसिटिव ऑर्गन्स के साथ या अंडर डेवलप्ड ऑर्गन्स के साथ पैदा होते हैं और लगभग 8 से 9 साल लग जाते हैं पूरी तरीके से बच्चों के डेवलपमेंट करने के लिए, बच्चों के शरीर का डेवलपमेंट होने के लिए। लेकिन हम बाकी चीज़ों का तो पूरा ध्यान रखते हैं, साबुन, तेल, शैम्पू, पाउडर, लेकिन जो 11,000 लीटर हवा बच्चों के पैदा होते ही जो बच्चों के रेस्पिरेटरी सिस्टम को अटैक करता है, उसके बारे में हम क्यों नहीं सोचते? हम ये बच्चों को जो रेस्पिरेटरी तकलीफें ज़्यादा होती है, ये हम दिलासा दिलाते हैं कि बच्चों का शायद इम्यूनिटी वीक है, इस वजह से बच्चों को ये तकलीफें ज़्यादा हो रही है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि जो 11,000 लीटर हवा बच्चों के पैदा होते ही हर रोज़ रेस्पिरेटरी सिस्टम को अटैक करता है, वो चीज़ हम इग्नोर कर देते हैं और बाकी सारी चीज़ों का ध्यान रख देते हैं। इसके इग्नोर करने की वजह से जो ये तकलीफें ज़्यादा हो रही है, और यही फैक्ट है, ये आप खुद सोच के देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप इसी बात का अभी एक्सेप्ट कर लें, बट कम से कम आप सोच के देखिए कि हम जब बाकी चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो उसमें कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन ऐसा क्यों है कि सांस की तकलीफें ही होती है? सो एयर इज समथिंग, एयर जो सबसे वाइटल इंग्रेडिएंट है बच्चों के लिए, जो सबसे वॉल्यूमनस है बच्चों के लिए, उसका इग्नोर करने की वजह से आज ये जो रेस्पिरेटरी तकलीफें बच्चों को ज़्यादा होती है। अब ऐसे सिचुएशन में, जैसे कि आपने अभी तक प्रेजेंटेशन में देखा कि रेस्पिरेटरी इश्यूज बढ़ रहे हैं, हो सकता है आपके शहर में पोल्यूशन नज़र ना आए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि रेस्पिरेटरी तकलीफें नहीं बढ़ रहे हों।
अगर ये रेस्पिरेटरी तकलीफें बढ़ रही है तो हमारे पास दो ही चॉइस है। पहला, जैसे हम इग्नोर करते हुए आ रहे थे वैसे ही इग्नोर करते रहें, और दूसरा ऑप्शन है कि हम एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल करके हम अपने रेस्पिरेटरी हेल्थ को बेहतर बनाएं और सांस की तकलीफों को कम कर सकें। अब हम देखते हैं कि एयर प्योरीफायर का नाम सुनते ही कई सारे ऑब्जेक्शंस का सामना करना पड़ता है हमें, जैसे घर पे तो लगा लेंगे, बाहर जाएंगे क्या करेंगे, हमें अच्छी हवा की आदत पड़ जाएगी, या कई लोग ये भी कहते हैं कि हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी। तो पहले हम ये जानते हैं कि एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल किस तरीके से करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। आप जरा सोचिए कि 24 घंटे लगातार हमें सांस लेने की ज़रूरत पड़ती है, हर 6 सेकंड में हम सांस लेते हैं और अलग अलग जगहों पे सांस लेते हैं, और बेडरूम एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम हर रोज़ रहते हैं, लगभग 8 से 9 घंटे रहते हैं, और उस दौरान हमारी शरीर आराम कर रही होती है। तो बेडरूम एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम क्लीन एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल करके, मतलब शार्प वेस्टिज एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल करके एक बेहतर वातावरण तैयार कर सकते हैं, अपने आसपास साफ हवा बना सकते हैं, जिसके कारण उस दौरान हमारे शरीर के अंदर कम से कम इम्प्योरिटीज आएंगी और हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को आराम मिलेगा और रेस्पिरेटरी हेल्थ बेहतर होंगी, और साथ के साथ जो भी रेस्पिरेटरी इश्यूज है, जो सांस की तकलीफें हैं, वो भी धीरे धीरे कम होने लगेंगे। ये इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ। मान लीजिए एक ऐसा सिचुएशन है हमारे सामने, जो हमारे आसपास जो हवा है, जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं, वहाँ पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बढ़ रहे हैं। जाहिर सी बात है, जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं वो हवा की क्वालिटी भी खराब होती जाएंगी। अगर हम विदाउट प्रोटेक्शन, विदाउट प्रिवेंशन ऐसे ही चलते रहें तो कई इम्प्योरिटीज का जो वॉल्यूम है वो हमारे शरीर के अंदर बढ़ते रहेंगे। तो 24 घंटे में जितने जहरीले पदार्थ हमारे शरीर के अंदर आते हैं, एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल करके हम जहरीले पदार्थ की मात्रा को कम कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए हम किसी पब्लिक टॉयलेट के पास से गुजरते हैं या किसी गंदी जगह के पास से गुजरते हैं, तो हम नाक और मुंह को ढक लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं ताकि गंदी चीज़ों को हम कम कर सकें, मतलब जो इम्प्योरिटीज़ हमारे शरीर के अंदर आ रही है उसकी वॉल्यूम को रिड्यूस कर सकें। आप याद रखिएगा कि नाक में रुमाल लगा के हम जहरीले पदार्थ को ख़त्म नहीं करते, नाक में रुमाल लगा के हम जहरीले पदार्थ को कम से कम करने की कोशिश करते हैं, और एयर प्योरीफायर भी ठीक इसी तरीके से काम करता है। अब एयर प्योरीफायर के लगाने के बाद 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आपको ये महसूस हो जाएगा कि रेस्पिरेटरी हेल्थ, मतलब जो भी सांस की तकलीफें हैं, वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। मतलब कितना परसेंटेज कम होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आपको ये एहसास हो जाएगा कि आपके जो भी तकलीफें हैं वो रिड्यूस हो रहे हैं, वो कम से कम हो रहे हैं। और जिनको ये तकलीफें नहीं हैं उनको एक चीज़ ज़रूर होगा कि आपकी ब्रीदिंग क्वालिटी बेहतर हो जाएगी, आपकी नींद अच्छी आएगी। अब हम बात करेंगे ब्रीफली हमारा जो फेसलिफ्ट मॉडल नया एलर्जी मोड के साथ, उसमें ऐसा खास क्या दिया गया है। अब आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, ये हमारे जो नया मॉडल विथ एलर्जी मोड जिसका पैनल दिखाया गया है। पैनल में पावर बटन के साथ एलर्जी बटन दिया गया है, उसके साथ मोड बटन दिया गया है। एलर्जी मोड बटन जब आप प्रेस करते हैं, ये एक 51 मिनट का साइकिल है जो 250 स्क्वायर फीट कमरे में 99% तक एलर्जी और एस्थमा के ट्रिगर्स रिड्यूस करता है 51 मिनट्स में। ये एक जो बेनिफिट है ये सिर्फ वेस्टिज शार्प एयर प्योरीफायर में अवेलेबल है और नए मॉडल में अवेलेबल है। ये मोड पहले हमारा हेज मोड होता था। हेज एक पॉल्यूशन से रिलेटेड मोड है। आपको ध्यान होगा कि सर्दी में या दिवाली के बाद हमारे बाहर की एनवायरनमेंट थोड़ा धुंधला हो जाता था, ये उसको हेज कहते थे। लेकिन जो हेज
सिचुएशन है, ये जियोग्राफिकल है और ये सीजनल है। तो एयर पोल्यूशन और एयर प्योरीफायर का जो कनेक्शन है वो ठीक तरीके से इस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा था। लोगों को ये महसूस नहीं हो रहा था कि अगर एयर पोल्यूशन है नहीं तो हमें एयर प्योरीफायर लेने की क्या ज़रूरत है। लेकिन अब हमने दिया एलर्जी मोड, जिसका डायरेक्ट बेनिफिट आपको रेस्पिरेटरी हेल्थ के साथ मिलता है। मतलब आपके घर में या आपके शहर में जिनको भी रेस्पिरेटरी तकलीफें हैं, हमारा शार्प वेस्टिज एयर प्योरीफायर विद एलर्जी मोड उस रेस्पिरेटरी हेल्थ को बेहतर बनाने में, रेस्पिरेटरी हेल्थ को इम्प्रूव करने में और सांस की तकलीफों को कम करने में मदद करता है। फाइनली हम आपको बताना चाहते हैं कि एयर प्योरीफायर के लगाने के आपके एक्सपेंडिचर क्या है। मतलब एक बार आप एयर प्योरीफायर परचेज करते हैं तो उसका किस तरीके से उसका मेंटेनेंस है, कॉस्ट क्या है और एक्चुअली पर डे का इसका कॉस्ट आपको कितने का पड़ता है। जैसे कि आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, इनिशियल कॉस्ट, इनिशियल जो परचेज कॉस्ट है इसका 18,500 रुपीज़ है, जो करंट प्रिवेलिंग कॉस्ट है। और अगर हम 6 साल का कैलकुलेशन करते हैं, हमारे जो फिल्टर की लाइफ है वो लगभग रेटेड लाइफ इसका 2 साल माना जाता है। तो अगर 6 साल के पीरियड में आप 2 बार फिल्टर को रिप्लेस करते हैं तो फिल्टर का जो हेपा फिल्टर और कार्बन फिल्टर का मिला के जो कॉस्ट है लगभग 6,000 रुपए का है। इनिशियली मशीन को परचेस करने के बाद आपको 2 साल के बाद, 4 साल के बाद, मतलब 2 बार आपको फिल्टर रिप्लेस करना पड़ता है, जिसका कॉस्ट है 12,000 रुपए और टोटल कॉस्ट आता है आपका 30,500 रुपए। अगर इस 30,500 को 6 साल पे डिवाइड करेंगे तो पर डे इसका जो कॉस्ट आता है वो आता है 13.80 रुपए। अगर आप देखेंगे हमारे जो रेगुलर के खर्चे हैं, मोबाइल का भी एक्सपेंडिचर हमारा इससे ज़्यादा है। तो इस इतने कॉस्ट में आप अपने पूरे फैमिली को रेस्पिरेटरी हेल्थ से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मैं अब फाइनली आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे एयर प्योरीफायर कुछ लोगों को बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है, जिनमें है न्यूबॉर्न बेबीज, जिनके घर में पेट्स है, जिनके घर में एस्थमा या एलर्जी से पीड़ित लोग हैं, जिनके घर में रेस्पिरेटरी तकलीफ से लोग भुगत रहे हैं या जिनके घर में लोग सिगरेट पीते हैं। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि वैसे तो एयर प्योरीफायर हर किसी को ही ज़रूरत है, बट खास करके इस ग्रुप के लोगों को आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट इनको पहुँचा सकते हैं। थैंक यू सो मच, विश यू